अच्छा भाई, IFRS 8 के बेसिक कॉन्सेप्ट्स तो हमने डिस्कस कर लिए। अब कुछ थोड़े से मुख्तलिफ तरह के IFRS 8 के जो पास पेपर क्वेश्चंस हैं, ICAP के, उसके अलावा कुछ और एग्जामिनेशन बॉडीज के, ACCA के, ICAW के, व्हाट्स एवर, जो जो मैंने कुछ कंपाइल किए हुए हैं, उन सब कुछ को थोड़ा बहुत जो है वो डिस्कस करते हैं और देखते हैं कि जी IFRS 8 ऑपरेटिंग सेगमेंट्स में क्या होता है। तो ये एक क्वेश्चन है जिसका नाम है डायमंड लिमिटेड। इस सवाल की रिक्वायरमेंट ये 7 मार्क की रिक्वायरमेंट है, आइडेंटिफाई द रिपोर्टेबल सेगमेंट अंडर IFRS अलोंग विद ब्रीफ जस्टिफिकेशन। अब एक काम ये करें आप, क्या आप 5 मिनट ले लें, आप 5 मिनट में ट्राई टू आइडेंटिफाई द रिपोर्टेबल सेगमेंट्स। तो आपने रिपोर्टेबल सेगमेंट्स आइडेंटिफाई करना है, सेगमेंट ए बी सी डी ई एफ गिवन है, आपने इसमें से रिपोर्टेबल सेगमेंट आइडेंटिफाई करना है। आप 5 मिनट ले लें, फिर मैं शुरू करता हूँ। अच्छा भाई देखें, अब जरा बात करते हैं इस क्वेश्चन में। तो आपको कहता है डायमंड लिमिटेड अ लिस्टेड कंपनी हैज 6 ऑपरेटिंग सेगमेंट्स। दीज सेगमेंट्स डू नॉट हैव सिमिलर इकोनॉमिक कैरेक्टरिस्टिक्स। दीज सेगमेंट्स डू नॉट हैव सिमिलर इकोनॉमिक कैरेक्टरिस्टिक्स, मतलब इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है कि इसमें एग्रीगेशन नहीं हो सकती। क्या हो सकता है? एग्रीगेशन नहीं हो सकती। फॉलोइंग सेगमेंट वाइज इंफॉर्मेशन इज अवेलेबल। क्या है सेगमेंट्स? हैं ए बी सी डी ई एफ। रेवेन्यू में इंटरनल एक्सटर्नल गिवन है, प्रॉफिट और लॉस है, टोटल एसेट्स। अगर हम बात करें यहाँ पे तो सिचुएशन को इस तरीके से कि आप एक चीज देखें कि आपके पास थ्रेशोल्ड्स होते हैं ना 10% रूल के, वो 10% रूल के थ्रेशोल्ड्स क्या होते हैं? 10% रूल के थ्रेशोल्ड ये होते हैं कि आप जो ना वो टोटल रेवेन्यू निकालें तो 3,17,500 है। तो इसका 10% जो होता है 3,17,500 का, वो 3,17,500 का 10% होता है 31,750। टोटल एसेट्स का 10% निकालें तो 8,840 होता है। यहाँ पे प्रॉफिट मेकिंग और लॉस मेकिंग सेगमेंट का प्रॉफिट और लॉस टोटल करें, तो अगर प्रॉफिट मेकिंग सेगमेंट्स का प्रॉफिट टोटल करते हैं तो वो कितना होता है? 19,000 प्लस 2,300 प्लस 2,900, बेटा बताओ कितना होता है? टू फोर टू जीरो बनता है उसका 10%, राइट? ऐसे ही है ना। और लॉस का कितना बनता है? 37,000, यानी 3,700 बनता है। सो अगर हम देखें तो ये वाला सेगमेंट रेवेन्यू की बुनियाद पे तो नहीं है, बिकॉज 31,750 लिमिट है। ये प्रॉफिट और लॉस की बुनियाद पे भी नहीं है, ये एसेट की बुनियाद पे भी नहीं है। ए बी को अगर हम देखें तो 192,000 है रेवेन्यू की बुनियाद पे, तो है प्रॉफिट लॉस की बुनियाद पे भी है, एसेट की बुनियाद पे भी। सेगमेंट सी को देखें तो रेवेन्यू की बुनियाद पे नहीं है, लेकिन प्रॉफिट लॉस की बुनियाद पे है, एसेट की बुनियाद पे नहीं है। सेगमेंट डी को देखें, वो भी रेवेन्यू की बुनियाद पे नहीं है, ई भी नहीं है, एफ भी नहीं है। यहाँ पे ये है, ये नहीं है, ये नहीं है, और उसके अलावा ये भी नहीं है, ये भी नहीं है, ये है। तो अगर इन तीन में से कोई एक कंडीशन भी फुलफिल हो जाए तो ऑपरेटिंग सेगमेंट रिपोर्टेबल बन जाता है। तो अगर आप यहाँ पे देखेंगे तो आपके पास बी रिपोर्टेबल है, सी रिपोर्टेबल है, डी रिपोर्टेबल है, एफ रिपोर्टेबल। अगर आप देखें तो अगर मैं इस सिनेरियो के अंदर आऊं, बात करूं, डायमंड लिमिटेड की अगर हम बात करते हैं तो डायमंड लिमिटेड के अंदर सिचुएशन क्या होगी? डायमंड लिमिटेड के अंदर जो है वो आपके पास हो गई है कि सेगमेंट ए जो है वो किसी बेस पे भी नहीं है, सेगमेंट बी जो है वो तीनों तरह से जो है वो रेवेन्यू का भी थ्रेशोल्ड फुलफिल करता है, थ्रेशोल्ड भी फुलफिल करता है। इसी तरीके से, अच्छा अगर मैं इस तरीके से लिखने के बजाय इसको यूं लिख दूं, इसी तरह से सेगमेंट सी की बात करते हैं तो सेगमेंट सी के पर्सपेक्टिव से देखेंगे तो रेवेन्यू के बेस पे तो नहीं, लेकिन प्रॉफिट लॉस की बेस पे, एसेट की बेस पे भी नहीं है। डी की अगर हम बात करते हैं तो डी क्या है?
डी की अगर हम बात करते हैं तो डी जो है वो बेसिकली प्रॉफिट और लॉस की बुनियाद पे। अगर हम इसी तरह से ई और एफ की बात करते हैं तो ई और एफ की बात करते हैं तो ई में क्या होगा आपको, ई कहीं भी नहीं होगा। और एफ के पर्सपेक्टिव से बात करें, एफ के पर्सपेक्टिव से प्रॉफिट और लॉस की कहानी होगी। अब देखें, बात सुनिएगा, बात समझिएगा। बेसिकली क्या हुआ, हमने क्या करा, हमने कहा कि जी ये डायमंड लिमिटेड है, इसमें रेवेन्यू का देख लिया, एसेट का देख लिया, प्रॉफिट लॉस का देख लिया, यहां तक क्लियर है। अब बात सुनना, अब बात ये सुनना कि ये तो सारी चीजें हो गई ना, ये सारी चीजों के बाद अब हमें ये देखना है कि क्या 75% रूल मीट होता है नहीं होता। तो 75% रूल के लिए आप क्या करोगे, आप कहोगे टोटल एक्सटर्नल सेल कितनी है। तो टोटल एक्सटर्नल सेल बेटा जो है ना वो कितनी है, 278,000। और 278,000 का 75% कितना होता है, तो 278,000 का 75% को बताएगा कितना होता है, मैं पता नहीं अपना कैलकुलेटर कहीं भूल गया हूँ। सो आप प्लीज मुझे बता दें कि कितना होगा। सर 208,500। 208,500 सही है ना, ये आपके पास हो जाएगा। अच्छा अब ना व्हाट नेक्स्ट इज देयर, अगर 208,500 है तो आपने देखना पड़ेगा कि जो आपके रिपोर्टेबल सेगमेंट है बी सी डी और एफ, ये जो आपके रिपोर्टेबल सेगमेंट हैं इनका एक्सटर्नल रेवेन्यू कितना है। इनकी एक्सटर्नल सेल अगर आप देखेंगे 184,000, 22,000 24,000 25,000, ये सब कुछ का टोटल अगर देखें तो कितना बनता है भाई, 2,08,500 से ज्यादा ही बनता है ना। सो इसका मतलब 75% रूल भी फुलफिल हो रहा है। तो बेसिकली क्या है कि आपको ये चार ऑपरेटिंग सेगमेंट्स को रिपोर्टेबल सेगमेंट्स बनाना पड़ेगा, आपको ये चार ऑपरेटिंग सेगमेंट्स को रिपोर्टेबल सेगमेंट्स बनाना पड़ेगा। क्या होगा, आपको ये चार ऑपरेटिंग सेगमेंट को रिपोर्टेबल सेगमेंट बनाना पड़ेगा। सही है, यही हुआ था आप लोगों का। हाँ भाई यही किया था आप लोगों ने। हाँ भाई यही किया था आप लोगों ने। कहाँ खो गए, कहाँ खो गए। तो सेल वाला सारा टैली हो रहा है, सही है। अब समझ में आया ना कैसे करना है। हाँ समझ में आया ना कैसे करना है। सही है, चलो अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है ना ये थोड़े से कुछ इन पे बाद में आता हूं मैं, पहले इस क्वेश्चन पे आ जाए, डेल्टा इंडस्ट्रीज वाला।
डेल नहीं, इससे भी पहले एक और क्वेश्चन करो थोड़ा सा हल्का, वो ये क्वेश्चन करो पहले, गोल्ड फिंच लिमिटेड करो। ये दो क्वेश्चन है, गोल्ड फिंच लिमिटेड और उसके अलावा नीचे वाला भी, ये दो सवाल करने हैं आपने, 4 एंड 5। चलो ले लो 2-3 मिनट। अच्छा जी देखें, आपको कहता है गोल्ड फिंच लिमिटेड हैज आइडेंटिफाइड 4 बिजनेस सेगमेंट्स। गोल्ड फिंच लिमिटेड हैज आइडेंटिफाइड 4 बिजनेस सेगमेंट्स। द रेलेवेंट डिटेल्स आर एज फॉलोस। रेवेन्यू गिवन है, इंटरनल एक्सटर्नल प्रॉफिट एसेट गिवन है, सब कुछ। विच ऑफ द अबव सेगमेंट्स आर टू बी रिपोर्टेड सेपरेटली अंडर आईएफआरएस 8। तो अगर आप देखेंगे यहाँ पे तो आपके पास रेवेन्यू में, टोटल रेवेन्यू अगर हम देखें तो ये 30 मिलियन का है, और ये अगर देखें तो 70 प्लस 10 80, 80 प्लस 10 90, 98 मिलियन का। ये टोटल देखें तो 128 मिलियन रेवेन्यू होता है, जिसका 10% होता है 12.8। प्रॉफिट ही है सबका, तो सबका प्रॉफिट ही है, तो प्रॉफिट का टोटल देख लो कितना होता है, 15 प्लस 3 18 19 20, 20.75, 2.075 थ्रेशोल्ड होता है 10% का। सही है। एसेट्स में अगर देखें तो टोटल एसेट्स कितने हैं, 50 प्लस 5 5 10, 64.5, 64.5। सही है। अच्छा अब देखें, आप जरा बात सुनिएगा और समझिएगा। बात यह है कि 12.8 की बुनियाद पे ये भी रिपोर्टेबल, ये भी रिपोर्टेबल, ये भी रिपोर्टेबल, 2.075 की बुनियाद पे ये भी रिपोर्टेबल, 64.5 की बुनियाद पे ये भी रिपोर्टेबल, सॉरी 6.45 होगा ना इसका, तो ये भी रिपोर्टेबल। बस यानी इसका मतलब क्या हो गया, विच ऑफ द अबव सेगमेंट्स आर टू बी रिपोर्टेड अंडर आईएफआरएस 8। तो 1 तो है रिपोर्टेबल, 2 भी है, 3 भी है, सो सी इज द करेक्ट आंसर। सी इज द करेक्ट आंसर। तो करेक्ट आंसर क्या है भाई, सी इज द करेक्ट आंसर। अगली बात कहता है, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिलेटेड टू आईएफआरएस 8 ऑपरेटिंग सेगमेंट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू। आईएफआरएस 8 ओनली अप्लाइज टू एंटिटीज विद इक्विटी सेक्टर। अच्छा ये मैंने आपको पढ़ाया नहीं है, ये इसका स्कोप होता है, तो ये बात सही है कि सिर्फ वो कंपनीज जिनके शेयर्स पब्लिकली ट्रेड हो रहे हैं, या जिनके शेयर्स इन द प्रोसेस ऑफ बीइंग लिस्टेड है, या जिनके डेट इंस्ट्रूमेंट्स इन द प्रोसेस ऑफ बीइंग लिस्टेड है, सिर्फ और सिर्फ उन पे अप्लाई होता है। तो स्टेटमेंट 1 तो करेक्ट है। नंबर 2 कह रहा है आइडेंटिटीज ऑफ मेजर कस्टमर, आइडेंटिटी डिस्क्लोज करने की जरूरत नहीं है, 1 ओनली इज द करेक्ट आंसर। सो 1 इज द करेक्ट आंसर, आइडेंटिटी डिस्क्लोज करने की जरूरत नहीं है, सिर्फ ये बताना है कि किस सेगमेंट से बिलोंग करता है और उसका टोटल रेवेन्यू कितना है। सही है भाई। चलो चले आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। अब ये सवाल है डेल्टा इंडस्ट्रीज, सवाल की रिक्वायरमेंट है कि आप ये बताएं, एक्सप्लेन आईएफआरएस रिक्वायरमेंट इन रिस्पेक्ट ऑफ सेगमेंट रिपोर्टिंग एंड एडवाइज द डायरेक्टर्स एज टू विच सेगमेंट्स आर रिक्वायर्ड टू बी रिपोर्टेड सेपरेटली टुगेदर विद एनी ऑप्शंस फॉर द रिमेनिंग सेगमेंट्स। तो एक्सप्लेन द आईएफआरएस रिक्वायरमेंट इन रिस्पेक्ट ऑफ द सेगमेंट रिपोर्टिंग एंड एडवाइज डायरेक्टर्स एज टू विच सेगमेंट्स आर रिक्वायर्ड टू बी रिपोर्टेड सेपरेटली टुगेदर विद एनी ऑप्शंस। तो अब आपने ये बताना है इसमें से कौन से रिपोर्टेबल सेगमेंट है, कौन से रिपोर्टेबल सेगमेंट नहीं है, ये आपके सामने पूरा का पूरा क्वेश्चन। सही है। चलो 5-7 मिनट ले लो, इसको सॉल्व करो। हाँ जी क्या हुआ, पहुंचे नहीं पहुंचे, हुआ नहीं हुआ, हो गया। चलो सही है, गुड हो गया। तो इस सवाल के अंदर अगर हम देखें डेल्टा के अंदर कह रहा था, अबव फिगर्स एंड फर्दर डिटेल ब्रेकडाउन द रिपोर्टेड ऑन अ मंथली बेसिस टू डेल्टा इंडस्ट्रीज चीफ एग्जीक्यूटिव।
They are substantial sales between divisions where shop stock is small ranges and other division products. Delta Industries would also like to combine the figures for two sportswear divisions as they are in similar line of business. The main difference of being that wholesale division sells wholesale in bulk to retail shops, whereas the online division sells to general public through an online system. तो ये दोनों का आप एड अप नहीं कर सकते. क्यों एड अप नहीं कर सकते? बिकॉज ये एग्रीगेशन क्राइटेरिया नहीं मीट करते. क्या एग्रीगेशन क्राइटेरिया नहीं मीट करते? इनके सिमिलर इकोनॉमिक कैरेक्टरिस्टिक्स ही नहीं है. आई रिपीट, इनके सिमिलर इकोनॉमिक कैरेक्टरिस्टिक्स ही नहीं है भाई. सिमिलर इकोनॉमिक कैरेक्टरिस्टिक होते तो आप एड कर सकते थे, वरना एड नहीं कर सकते. तो यहाँ पे सिमिलर इकोनॉमिक कैरेक्टरिस्टिक्स ही नहीं है. सही है, यहाँ तक क्लियर है? अच्छा, अब देखिए मेरी बात सुने, अब छोटी सी बात सुनिएगा. यहाँ पे सिचुएशन ये होगी कि मेंस वेयर और ये सब कुछ आपको अब मेरे ख्याल में पता है कि जी इसका टोटल करेंगे, प्रॉफिट वाले ये प्रॉफिट वालों को एक साथ जमा करेंगे. यहाँ पे प्रॉफिट वाले ही ज्यादा होंगे, लॉस वाले नहीं होंगे. टोटल एसेट्स को देखेंगे, इन तीन की बेसिस पे देखते हैं. तो मुझे बताओ कि क्या मेंस वेयर जो है वो रिपोर्टेबल सेगमेंट बन रहा है? रेवेन्यू की बुनियाद पे तो नहीं, प्रॉफिट और लॉस की बुनियाद पे बन रहा है? प्रॉफिट और लॉस का थ्रेशोल्ड क्या है? प्रॉफिट का थ्रेशोल्ड क्या है? लॉस का थ्रेशोल्ड क्या है? प्रॉफिट कितना है टोटल? प्रॉफिट मेकिंग सेगमेंट का प्रॉफिट कितना है? नाइन नाइनटी सेवन पॉइंट एट. ओके, तो बेटा ये प्रॉफिट की बुनियाद पे भी नहीं बन रहा ना. वुमेन्स वेयर तो बन गया ना, यहाँ भी बन गया, यहाँ भी बन गया, यहाँ भी बन गया. और चिल्ड्रन क्लोथ जो है वो नहीं बना यहाँ पे. ये तकरीबन कितना बनता है? 8500 प्लस 5966, 90266. ये भी नहीं बना. ये भी नहीं बना. स्पोर्ट्स वेयर बन गया यहां से, यहां से भी बन गया, यहां से ही बन गया. स्पोर्ट्स वेयर ऑनलाइन भी बन गया, यहां से ही बन गया, यहां से ही बन गया. फॉर्मल वेयर नहीं बना, ब्राइडल वेयर नहीं बना, नहीं बना, नहीं बना. यहां से इधर से भी नहीं बना, इधर से भी नहीं बना, इधर से, इधर से बन गया. नहीं बना, नहीं बना, नहीं बना, नहीं बना. सो बेसिकली मेंस वेयर is not a reportable, women wear is yes, children cloth no, sports whole wear yes, sports wear online yes, formal wear भी नहीं बना, bridal wear भी नहीं बना, eyewear भी नहीं बना, fragrances भी नहीं बना. अब आपने ये देखना है कि इनका जो external revenue है ये क्या ये 75% of total external revenue है? हाँ भाई, क्या ये 75% ऑफ टोटल एक्सटर्नल रेवेन्यू है? हाँ, फ्रेग्रेंसेस बन गया ना लॉस की बेसिस पे, फ्रेग्रेंसेस बन गया लॉस की बेसिस पे. तो मैंने तो लिखा है ना, ये बन गया, ये बन गया, ये बन गया, ये बन गया.
हाँ भाई 75% बनता है रेवेन्यू, बताओ ना। देखो मेरी बात सुनो, एक्सटर्नल रेवेन्यू 13282, वन थ्री टू एट टू, 2072, 15354, 6854, इन सब का टोटल करो, इन सब का टोटल करो कितना बनता है। कितना बनता है? 49408। और ये जो एक्सटर्नल रेवेन्यू ना 85100, इसका 75% कितना बनता है? एटी फाइव वन हंड्रेड का 75% कितना बनता है भाई? सिक्सटी थ्री एट टू फाइव। तो इन दो का डिफरेंस कितना है? इन दो का डिफरेंस कितना है? वन डबल फोर वन सेवन, यानी एडिशनल इतना एक्सटर्नल रेवेन्यू आइडेंटिफाई करना है। अब जिनको नहीं बनाया ना, उनमें एक्सटर्नल रेवेन्यू ज्यादा किसका है? एक इसका है 7680, उसके अलावा किसका है? उसके अलावा जो है ये 5905, 5928 फॉर्मल वेयर का है। इन दो को अगर टोटल करते हैं तो कितना आता है? इन दो का टोटल करते हैं कितना आता है? हाँ भाई, इन दो का टोटल करते हैं कितना आता है फॉर्मल वेयर ब्राइडल वेयर का? 13608। इसका मतलब मेंस वेयर को भी बनाना पड़ेगा, इसका मतलब मेंस वेयर को भी बनाना पड़ेगा, क्योंकि जिस जिसका ज्यादा एक्सटर्नल रेवेन्यू हम उसको ले रहे हैं। सो मतलब क्या हुआ, अब ये ब्राइडल वेयर भी हो गया, फॉर्मल वेयर भी हो गया, मेंस वेयर भी हो गया, ये सारे रिपोर्टेबल सेगमेंट हो गए, बिकॉज 75% रूल मीट नहीं हो रहा था। सही है, आया? आप समझ में आया? 75% रूल मीट नहीं हो रहा था। सही है ना? सो भाई दिस इज ऑल अबाउट आईएफआरएस 8 ऑपरेटिंग सेगमेंट्स। तो इंशाल्लाह अब जो है ना वो अगली क्लास में नेक्स्ट अकाउंटिंग स्टैंडर्ड शुरू करेंगे।